SC ST OBC प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन ने शिक्षा विभाग में PTA पैरा पैट और SMC भर्ती प्रक्रिया में रोस्टर न लगाए जाने SC ST OBC को उनका बैकलॉग न दिए जाने पर विरोध जताया है। SC ST OBC प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन का कहना है कि शिक्षा विभाग में काफी वर्षों से खाली पड़े पदों को बैचवाइज आधार पर भरा जाए। आज हमने मंडी जिला से SC ST OBC के बैकलॉग के रिगार्डिंग हमने और हमारे पूरे संगठन ने मिलकर ADM के माध्यम से सरकार को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने ये डिमांड रखी है कि सरकार ने PTA पैरा SMC के तहत जो बैकडोर एंट्रीज की है, एक तो उसमें रोस्टर प्रणाली लागू नहीं हुई है और दूसरा जो हमारा बैकलॉग जो इतनी सालों से पेंडिंग चला रहा है, सरकार उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही है। हमने कांग्रेस के टाइम में भी सरकार से ये दरखास्त की थी और इस सरकार के टाइम में भी हम बार बार अपना ज्ञापन सरकार को सौंप चुके हैं, लेकिन हर बार ही हमें मुंह की खाली पड़ रही है। सरकार हमारी मांगों को लेकर हमें एक झूठा आश्वासन ही दे रही है और इसके ऊपर कोई विशेष कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार से बैचवाइज आधार पर SC ST OBC के बैकलॉग को भरे जाने की मांग की। वहीं संगठन ने सरकार द्वारा मांगे पूरी न किए जाने की सूरत में लोकसभा चुनावों का बहिष्कार किए जाने की बात कही। उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रदेश सरकार इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाते हुए उनके संगठन की मांगों को पूरा करेगी। तो हम चाहते हैं कि सरकार हमारी इन मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा करे, नहीं तो हम 2019 के लोकसभा चुनावों में इनका पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे, क्योंकि आज का युवा जो है पूरी तरह से खपा हो चुका है, सरकार की गलत नीतियों का शिकार हो रहा है। आज हर एक युवा जो 40 से 50 साल के बीच में हो चुका है, हर बार अपना बैच का इंतजार करता है इस के साथ कि उसका नंबर आएगा और उसको जॉब मिलेगी, लेकिन सरकार की जो नीतियां हैं ये हम बेरोजगारों के साथ अन्याय कर रही है, जो कि हमारा एक कानूनी अधिकार बनता है और संवैधानिक जो हमारा राइट है, हम उसी की डिमांड कर रहे हैं और चाहते हैं सरकार से कि जल्दी से जल्दी इनको बैकलॉग के थ्रू जितनी भी हमारी जो पोस्टें बनती है SC ST OBC वर्ग की, वो जल्दी से जल्दी सरकार इसके ऊपर कार्रवाई करे और उनको जो भी अभी जो बैच वाइज रिक्रूटमेंट हो रही है उसी के साथ उनको मर्ज करके हमारा बैकलॉग हमारे को दिया जाए। तो अगर सरकार हमारे इस एक्शन पे कार्रवाई करती है तो हम सरकार का आभार प्रकट करते हैं और SC ST OBC वर्ग ये माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं और उनको सम्मानित भी करेंगे अगर हमारी और जल्दी से इस डिमांड को बैकलॉग को रिलेटेड लेकर पूरा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।